गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर टेन पे। हम क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और इस पर अब तक मैं 6 लेक्चर ले चुका हूँ। ये हमारा 7वां लेक्चर है और क्वेश्चन नंबर 27, इसे पहले मैं 26 करवा चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना ये, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपने अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन किया नहीं होगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। वीडियो को पॉज करो थोड़ी देर के लिए और अपने से ट्राई करो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी से, शायद आप लोगों ने कोशिश कर ली होगी। अब देखो क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। अब पिकॉक, पिकॉक मतलब मोर, इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर विच इज 9 मीटर हाई। यहाँ कहीं पे, यहाँ पे ये पिलर है, ठीक है, पिलर, और ये कितना है 9 मीटर की हाइट का, ठीक है, ये इसकी 9 मीटर की हाइट है, ठीक है, और इसके ये पिलर का बॉटम है और यहाँ पर ये टॉप है, ठीक है। यहाँ कहीं पे पिकॉक बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से पिकॉक बैठा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, पहले ही बता दिया आपको। पिकॉक फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, बॉटम से ये 27 मीटर अवे, यहाँ कहीं पे, ठीक है, ज़्यादा दूर हो गया, यहाँ कहीं पे 27 मीटर, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 27 मीटर, ठीक है। अ स्नेक इज कमिंग आउट एट द होल ऑफ द बेस ऑफ द पिलर, ठीक है, एक यहाँ पे, यहाँ से कहीं पे, क्या क्या ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर अ स्नेक इज कमिंग आउट ऑफ इट्स होल, यहाँ कहीं पे होल है इस तरीके से होल, और यहाँ से ये सांप निकल रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से ये सांप निकल के जा रहा है, ठीक है। आगे पढ़ो, एट द बेस ऑफ द पिलर सींग द स्नेक, स्नेक को देख के द पिकॉक पाउचेज इट, मतलब मोर ने उस पर झपट्टा मारा, देयर स्पीड्स आर इक्वल, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कोट, मतलब यहां से थोड़ी देर के बाद वो सांप चल के यहां पर आ गया, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे इस मोर ने, पिकॉक ने इसको देखा, यहां पे इसको झपट्टा मार लिया, ठीक है, दोनों की स्पीड कैसी है सेम, तो ध्यान से देखना, ये यहां से यहां तक स्नेक यहां पे चल के आया इस तरीके से, ठीक है, और ये स्टार्टिंग में यहां से यहां पे था, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया अच्छे से। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, यकीन मानो इसको मिलाना नहीं है, इसको तो नहीं मिलाते, चलो मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या कह रहा है ये, यहां पे समझना, इसने इसको, ये टोटल डिस्टेंस 27 है, तो इसने इसको मान लो ये डिस्टेंस एक्स मीटर है, इसने एक्स मीटर पे पकड़ लिया इसको, यहां से मतलब यहां पे, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ध्यान से देखना 27 माइनस एक्स, यहां तक कितने लोगों को समझ में आया, आया समझ में, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है तो मतलब दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा, सिंपल सी बात है। तो जितनी दूरी में स्नेक यहां से यहां तक चल के आया, उतनी दूरी में ये पिकॉक यहां से यहां तक चल गया, मतलब इस हिस्से को मैंने मिटा दिया, ठीक है, उसने यहां पे, यहां सांप को यहां पे झपटा, और दोनों की स्पीड सेम है, तो स्पीड सेम है मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो यहां पे ये भी कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ये चीज समझने वाली थी, आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझो, क्या कह रहा हूं कि यहां से ये टॉप है पिलर का और यहां पे मोर बैठा हुआ है, मोर और पिलर के बॉटम से 27 मीटर की दूरी पे एक गड्ढा है, वहां से सांप निकलता है और मोर सांप को देखता है, ठीक है, ये स्नेक है, तो ये स्नेक चल के यहां पर आता है, जैसे ही यहां पर आता है ये मोर यहां से चल के यहां पर इसको झपट्टा मार लेता है, मतलब दोनों की स्पीड सेम है, तो हमें यह बताना है कि उसको कितनी दूरी पे उसने पकड़ा, आया समझ में। तो देखो क्वेश्चन में कहीं कोई एंगल फेंगल कहीं नहीं दिया है, तो आपको देख के ये लगेगा कि सर होगा कैसे, होगा कैसे, यहां देखो ये हमें पता है 90 डिग्री होता है, तो है ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन उसका यूज ही नहीं है यहां, मैं ट्रायंगल का यूज है, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ध्यान से देखो, मैं यहां पे नाम लिख देता हूं ए, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी, ठीक है, क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस केस में हाइपोटेनियस कितना है 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है
9 का स्क्वायर और बेस कितना है x का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर होता है 729, ठीक है 729 प्लस x स्क्वायर माइनस 27 × 54 x इज इक्वल टू 81 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब ये 81 इधर और ये इधर, तो 729 माइनस 81 इज इक्वल टू 54 एक्स, ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 729 में से 81 गया तो 9 में से गया 8, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ बचा 648, कितना बचेगा ये 648 इज इक्वल टू 54 एक्स। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे समझ में आया, ऊपर का मिटा देता हूँ कोई काम का नहीं है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, ध्यान से देखना ठीक है। अब क्या करेंगे, x यहीं पे रहा तो ये जाएगा कितनी बारी में, एक्स स्क्वायर है यार ये एक मिनट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है कि कितना है ये, हाँ नहीं x ही है सिर्फ, ठीक है तो ये आ जाएगा 648 अपॉन 54, ठीक है अब देखो 54 से इसको काटोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 12 मीटर। कैलकुलेटर पे एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से, कैलकुलेटर पे देख लेता हूं, सही है ये कैलकुलेटर पे हमने कर लिया। अब देखो तो ये कह रहा है कि पिलर से उसने उसको कितनी दूरी पे पकड़ा, तो कितनी दूरी पे पकड़ा 12 मीटर पे, आई बात समझ में, बहुत ही प्यारा और उम्दा क्वेश्चन था ये, यकीन मानो इस तरह का क्वेश्चन आपने 100% नहीं किया होगा, अच्छे से देखना 2014 में ये 5 नंबर का आया हुआ है, 4 नंबर का, तो 10 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए 10 साल पुराना क्वेश्चन है तो बेकार क्वेश्चन नहीं है, बहुत प्यारा दमदार क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इसको करवाया ताकि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये सोचते रहो कि एंगल कहाँ पर है इसमें, तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए एंगल चाहिए, टेन थीटा चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन किए टेन थीटा कोट थीटा वाले किए तो दिमाग में एक इमेज बन गई है कि टेन थीटा से होगा या कोट थीटा से होगा, हमारे दिमाग में ये तो आएगा इन्हीं दूर दूर तक कि यार ये पाइथागोरस थ्योरम से भी हो जाएगा, तो इसलिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया था आपको ताकि आप भ्रम में पड़े रहो और अच्छी जो ओरिजिनल चीज है उसको सोच ना पाओ। आई बस समय नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, ठीक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, उसमें बस बैलून है, इसमें हवाई जहाज है, ठीक है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ इतना 173.2 मीटर पर सेकेंड एट द हाइट ऑफ 300 मीटर, ठीक है ये यहाँ कहीं पे यहाँ से ये टोटल कितना है 3000 मीटर, और ये क्या है टॉप और ये क्या है बॉटम, ठीक है अब हवाई जहाज आसमान में उड़ेगा सीधी सी बात है, यहाँ कहीं पे ये हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है इस तरीके से, ठीक है यहाँ कहीं पे ये हवाई जहाज उड़ रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन सीन एज द फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से देखा जा रहा है, ठीक है ये ग्राउंड से, ठीक है थोड़ी देर बाद ये एक जहाज उड़ के यहां पर आ जाता है, ठीक है कितनी की स्पीड से, कितने की स्पीड से 173.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है फ्रॉम द ग्राउंड द चेंज ऑफ 60° to 30°, ठीक है यहां तक समझ में आया, अब देखो ध्यान से ये यहां से यहां तक उड़ के आ गया, ठीक है यहां तक कैसे करेंगे समझना ध्यान से, जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये वाला एंगल है इस वाले पॉइंट से यहां पर उड़ के आ गया, अब दूसरा देखो ये यहां से उड़ के ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है हरे पेन से बना देता हूँ लेफ्ट पेन से, थोड़ी देर बाद ये यहां से उड़ के यहां पर आ गया, दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, ठीक है अब ये क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि ये कितने के कहा गया, फाइंड द टाइम बताना है कि मतलब इसको यहां से यहां तक उड़ के आने में कितना समय लगा। क्लियर है यहां तक अच्छे से, थोड़ी सी फिगर को सही कर लो यार, है ना लाइन बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है आया समझ में क्लियर है। अब यहां पे नामकरण कर देते हैं, सबसे पहले ए और ये बी और ये सी और ये डी, चारों नाम समझ में आ गए अच्छे से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है अब ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ये एंगल कितना है देखो, ये छोटा एंगल है तो सिंपल सी बात है 30° होगा, और ये बड़ा एंगल है तो ये 60° होगा, ठीक है ये होगा 60°, ठीक है अब हमें ये हाइट पता है तो इसी के पैरेलली ये हाइट यहां से ये वाली हाइट ये भी कितनी होगी 3000 मीटर, तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, यहां तक क्लियर है अच्छे से।
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, है ना, हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड दी हुई है कितनी, 173.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये स्पीड दी हुई है। क्या क्या पता है हमें आराम से समझेंगे भाई। यहाँ देखो, यहाँ से ये किसी तरीके से मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँ तो स्पीड तो है ही मेरे पास, तो मैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के टाइम निकाल लूँगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी सी में, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी में अच्छे से देखना, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी, तो ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, एंगल कितना लेंगे 30 डिग्री, तो 30 के सामने परपेंडिकुलर, हमें क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या है परपेंडिकुलर, बी सी, और ये कितना है 3000 मीटर, बेस कितना है, बेस पता नहीं है, तो बेस कितना है हमारा ए बी, तो बेस ए बी को ध्यान से देखना, ए बी को मैं ये लिख सकता हूँ ए ई प्लस ई बी, क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से एंगल पता है, एंगल कितना है हमारे पास थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, तो हम लगा देंगे टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी अपोन बी, मतलब टेन 30 इक्वल टू पी, पी कितना है ध्यान से देखो 3, मतलब बी सी अपोन ए बी, और ये कितना हो जाएगा बी सी, बी सी कितना है 3000 अपोन, अभी रखते हैं फिलहाल ए बी ही रखते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 10 30 कितना होता है 1 अपोन रूट 3 इक्वल टू 3000 अपोन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर ये इधर, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया 3000 रूट 3 मीटर, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ तक बेसिक चीज़ें कराइए, नोट डाउन कर लो, ये मिटाते हैं अच्छे से। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब हमें ए बी पता चल गया, ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन वन, इक्वेशन वन, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ए ई डी में, इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी में, अब मैं डायरेक्ट लगाता हूँ क्या, टेन कितना, अब देखो ए ई डी में 1060 इक्वल टू, ध्यान से देखना अच्छे से समझना, ठीक है, 1060 कितना होता है परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा 3000 अपॉन ए ई, ठीक है, 1060 कितना होता है रूट 3, तो ये कितना आ जाएगा 3000 अपॉन ए ई, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर, तो कितना आ गया ए ई इक्वल टू 3000 अपॉन रूट 3, रूट 3 आ गया, तो क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, ठीक है, मतलब रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3000 रूट 3 और रूट 3 रूट 3 मिलके पूरा पूरा 3, तो ये इससे कट जाएगा कितनी बारी में, वन में, तो ये कितना आ जाएगा 1000 रूट 3 मीटर, ये क्या आ गया मेरा ए ई, क्लियर है यहाँ तक, मतलब ए ई और ए बी दोनों आ गए, अच्छे से मिटा देता हूँ इनको, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब ध्यान से देखना, ये क्या था मेरा ए ई, तो मुझे तो ई बी निकालनी थी, ये डिस्टेंस, तो ई बी को अब ध्यान से देखना, डिस्टेंस ए बी को, ए बी इक्वल टू ए बी को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना ए ई प्लस ई बी, ठीक है, मुझे तो ई बी निकालनी थी, तो इसको इधर ले आते हैं, तो कितना जाएगा ए बी माइनस ए ई इक्वल टू ई बी, ठीक है, मतलब बी ई या ई बी एक ही बात है, ई बी हम निकाल चुके हैं कितना है 3000 रूट 3 माइनस 1000 रूट 3, तो ये कितना आ जाएगा ध्यान से देखना 2000 रूट 3, यहाँ तक क्लियर है, ये मेरा बी ई आ गया, मतलब ये डिस्टेंस आ गई, कितनी है ये वाली डिस्टेंस 2000 रूट 3 मीटर, क्लियर है यहाँ तक। अब यहीं पे मैं क्या लगाता हूँ, स्पीड इक्वल टू, ये मिटा देता हूँ, ये मेरा काम हो गया जल्दी से, ठीक है, ध्यान से देखना, स्पीड इक्वल टू, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। अब देखना क्या, फाइंड द टाइम, हमसे टाइम निकालना है, तो टाइम इधर चला जाएगा, तो कितना जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 2000
रूट थ्री, और स्पीड, स्पीड देखो कितनी है 173, देखो 173.2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एक क्लू है, रूट थ्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है 10,000 इंटू 1.732, और ये कितना है 173.2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो इसमें पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, तीन, इसमें एक, तो इसका हटा के इधर 1000 कर दो और इसका हटा के इधर 10 कर दो। क्लियर है? तो अच्छे से अब मेरे पास क्या रिजल्ट आया, ध्यान से देखना। कैलकुलेशन इसको मैं सिखा रहा हूँ आपको, ताकि फ्यूचर में कैलकुलेशन में आपसे किसी तरह की कोई गलती ना हो। ठीक है, ध्यान से देखना। तो कितना आ गया ये, टाइम इक्वल टू 2000 इंटू 1732 इंटू 10 अपॉन, ध्यान से देखो, 1732 इंटू 1000। तो इससे ये कट गया पूरा पूरा, इस जीरो से ये जीरो कट गया और दो जीरो से ये दो जीरो कट गई। तो t इक्वल टू कितना आंसर आया, 20 सेकेंड्स, मतलब इसको d से c तक जाने में 20 सेकेंड का समय लगेगा। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बैलून वाला ये क्वेश्चन है, 12वां या 13वां है, इसी के जैसे ये क्वेश्चन है। ये मैंने करवा दिया, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आप आराम से कर लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फोल्ड ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है, यहां कहीं पे पोल है ये रहा। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। ठीक है, ये पोल का टॉप है और ये बॉटम है। ठीक है, ठीक है, ही नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मतलब हमें कहाँ तक आना है, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऊपर से यहाँ तक, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, फिगर क्योंकि थोड़ा छोटा रह गया ये, इसको थोड़ा पोल को और बड़ा कर लेते हैं ये। ठीक है, ये टॉप है, तो वो क्या कह रहा है कि टॉप से, ध्यान से देखना, इस तरह का क्वेश्चन नहीं क्या होगा, टॉप से यहाँ तक 1.3 मीटर नीचे आना है उसको, यहां पे। ठीक है, यहां पे उसको कहीं पे रिपेयर वर्क करना है। ठीक है, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द लेटर दैट ही शुड यूज बी रीच टू एन इंक्लाइन एंड एंगल। अब देखो ध्यान से, इसको यहां पे कहीं पे लेटर लगानी है, सीढ़ी। ठीक है, इस तरीके से ये सीढ़ी लगानी है। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि सीढ़ी हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, सीढ़ी हमेशा टेढ़ी लगी रहती है। ठीक है, यहां पे इस तरीके से ये सीढ़ी लगानी है। ठीक है, कि फाइंड व्हाट वुड बी द लेंथ, मतलब सीडी की लेंथ। ठीक है, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये हमारा एंगल है 60 डिग्री। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड ही प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। मतलब यहां से यहां तक ये क्या है हमारा पोल, तो पोल के फुट से ये क्या है लैडर। ठीक है, लैडर के फुट को, मतलब यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस भी बतानी है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो यहां पे नाम लिख देते हैं ए बी सी और ये डी। क्लियर है, यहां तक समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ए बी सी डी पता चल गया, अब क्या करेंगे, नॉर्मल सा है। देखो ये हाइट टोटल कितनी है 5 मीटर और ये हाइट कितनी है 3.1.3, तो ये हाइट यहां से यहां तक कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 - 1.3, मतलब 3.7 मीटर, मतलब BC की मुझे लेंथ पता चल गई। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ठीक है, मुझे क्या क्या पता है, मुझे फाइंड क्या क्या करना है, पहले तो ये देख लो, इन ट्रायंगल ABC ABC दिख गया आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं क्या लगा रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू पी अपोन बी। टेन थीटा क्यों लगा रहा हूँ, देखो अभी आपको समझ में आएगा, थीटा के सामने मुझे क्या पता है, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर कितना है इस केस में BC। ठीक है, इक्वल टू कितना है 3.7 मीटर और क्या पता है बेस। ठीक है, बेस कितना है मेरे पास CD। ठीक है, ये पता है नहीं पता है, तो मैंने क्या मान लिया इसको X मीटर। ठीक है, इस पूरे को मैंने मान लिया X मीटर। ठीक है, और लैडर्स की हाइट को नहीं पता मुझे, तो ये क्या है BD। तो BD क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, 90 डिग्री होता है, तो 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस
टेनियस, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरा BD, और इसको मैंने कितना माना y मीटर, ठीक है, क्योंकि दोनों को ही मुझे फाइंड करना है, इसको भी और इसको भी। एंगल कितना है, एंगल है थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। अब देखो ध्यान से, दो अननोन है एक पता है, ठीक है, तो किसी तरीके से अगर मैं इसको और इसको ले लूं तो मुझे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता, निकल जाएगा। तो इसमें कुछ मैं ऐसा अरेंजमेंट कर दूं कि मेरा काम हो जाए, तो भाई अब हमें पता होना चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन थीटा में और कोसेक थीटा में, मतलब कहीं ना कहीं साइन थीटा लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से बेस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो मुझे बेस निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, टेन थीटा में, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगाना पड़ेगा और दूसरा ये लगाना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। ये समझ में आया, इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को थिंक किया, अच्छे से समझ में आया। अब बाकी हिस्से को मिटा देते हैं क्योंकि मुझे उसका काम नहीं है, फिगर आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, अच्छे से देखो, ठीक है, अरे यार फिगर क्यों मिटा दी मैंने, ठीक है, ये ए बी सी डी, तो बी सी डी में, तो देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी में, ठीक है, मुझे मोटा मोटा सा याद है, फिर से बना लेता हूँ। यहाँ से ये कितना था 1.3 मीटर, और यहाँ से ये कितना था 3.7 मीटर, ये था ए बी सी, फिगर मिटा के गलती कर दी, और ये लैडर था यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये था डी, ये कितना माना मैंने एक्स, और ये कितना माना मैंने वाई, और ये डिस्टेंस थी ये 3.7, और ये टोटल है 5 मीटर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये एंगल था 60 डिग्री और ये एंगल था 90 डिग्री, तो मैं क्या ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल बी सी डी, तो बी सी डी में, ध्यान देखो बी सी डी में, दिख गया बी सी डी में क्या लगा रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर और बेस, तो मतलब 10 कितना है 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बी सी, और बेस कितना है सी डी, 10 60 कितना होता है √3, बी सी कितना है 3.7 अपॉन, बेस कितना है एक्स, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा 3.7 अपॉन √3, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। अब क्या करेंगे, इसको इतना ही छोड़ दो, क्यों, क्योंकि ये कटेगा नहीं, 3.7 है, ठीक है, या थोड़ा और रेशनलाइज कर लेते हैं, तो देखो ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा √3 अपॉन √3, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा मेरा 3.7 इंटू √3, और √3 मिलके 3 मीटर। अब इसको फर्दर पॉइंट हटा के आप सोल्व भी कर सकते हो, पॉइंट में कुछ आ जाएगा, और नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, या √3 की वैल्यू रख दो तो भी मेरा काम हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, एक पार्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ये मुझे पता चल गया कि भाई ये मेरी डिस्टेंस आ गई x, अब मुझे क्या निकालना है, ध्यान से देखो, अब यही काम मैं कर रहा हूँ किस में, इसी में ही, अब मैं लगा रहा हूँ साइन थीटा, ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच, और साइन कितना है 60, पी कितना है मेरे पास 3.7, और एच, ठीक है, एच कितना है वाई, साइन 60 कितना होता है √3 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.7 अपॉन वाई, तो यहां से कितना आ जाएगा √3y इक्वल टू 3.7 इंटू 2, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 × 70 = 74, 7.4 अपॉन √3। अब ये भी रूट में आ रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, वही रेशनलाइजेशन, तो इसको भी मल्टीप्लाई √3 से, और इसकी भी मल्टीप्लाई √3 से, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा मेरा 7.4 √3 / 3 मीटर। तो √3 की वैल्यू रख के इसको फर्दर सोल्व भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।